चलिए दोस्तों, ये बेस्ट टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट है, जितना मैंने रिसर्च किया उसी से निकला है। मैं आपको इसके एक एक एंट्री के बारे में समझा देता हूँ। तो सबसे ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो इस पे टैक्स इनवॉइस लिखना कंपलसरी है, और आपका फर्म का नाम आएगा जैसे टैक्स बाय के, और यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा और आपका जीएसटीएन नंबर आएगा। और ये जीएसटीएन नंबर 15 डिजिट का होगा। ये 15 डिजिट मैं आपको समझा देता हूँ। ये पहला 2 डिजिट स्टेट कोड होगा, नेक्स्ट 10 डिजिट परमानेंट अकाउंट नंबर होगा, और अगर आपका पहला रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ नंबर 1 लिखा होगा, दूसरा रजिस्ट्रेशन है तो 2 लिखा होगा, ऐसे करके 1 से 9। लेकिन अगर आपका 10th रजिस्ट्रेशन है तो ए, 11th रजिस्ट्रेशन है बी, तो ऐसे करके ये जेड तक जाएगा। तो करीब करीब 35 प्रीमाइसेस आपके रजिस्टर्ड हो जाएंगे सेम स्टेट में, और ये डिफॉल्ट हमेशा ये जेड लिखा होगा। बाद में शायद कुछ और इसको बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं। और ये एक्स डिफॉल्ट डिटेक्शन ऑफ एरर के लिए है। ये किस लिए है वो अच्छी तरह से वो मैं नहीं बता सकता, बाकी लोग बता सकते शायद। खैर, इसके बाद यहाँ पर एक लाइन बना देना। ये पूरी लाइन मैंने यहाँ पर ये समझाने के लिए इसलिए थोड़ी सी लाइन इधर उधर हो गई है। इसके बाद आप जिसको बेच रहे हैं उसका नाम, जैसे मैं बेच रहा हूँ अमिताभ बच्चन जी को, उनका एड्रेस लिख दिया और उनका जीएसटीएन नंबर उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बता दिया, मैंने लिख दिया। नहीं बताते तो मैं मानता कि कंज्यूमर को मैं बेच रहा हूं, तो मैं जिसको बेच रहा हूं बिल टू, जिसको मैं बेच रहा हूं जीएसटीएन नंबर। और अगर ये अमिताभ बच्चन जी चाहते हैं कि ये दिल्ली की जगह मेरे मुंबई ट्रांसफर हो, तो मैं प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर मुंबई का एड्रेस लिख देता और वहां भी जीएसटीएन नंबर। खैर, यही सेम आता तो यहां लिखने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती। अब ये लिखना, प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप रिटर्न भरेंगे तो इनवॉइस की डिटेल भरेंगे तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई भी जरूरी है। अब मैं भी दिल्ली का, जहां मैं सप्लाई कर रहा हूं वो भी दिल्ली, तो जो टैक्स लगेगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, 5-5%। मैंने मान लिया रेट 5-5% है। लेकिन अगर मैं प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई कर दूं या दिल्ली के अलावा कोई और जगह कर दूं, यूनियन टेरिटरी कर दूं, तो यहां पर जो टैक्स लगेगा वो आईजीएसटी लगेगा, और आईजीएसटी क्या होता है, सीजी प्लस एसजी, करेक्ट। खैर, तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक इनवॉइस में होना बहुत जरूरी है। फिर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, अब जीएसटी में आपको नया इनवॉइस छपवाना पड़ेगा नए सीरियल नंबर के साथ, पुराना इनवॉइस आपको छोड़ना पड़ेगा। आपके पास एसएमएस भी आने लगे होंगे डिपार्टमेंट से कि आपको नया इनवॉइस यूज करना है और डेट डालना है। इसके बाद एक पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर यहां पर आप 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम बनाए जहां पर आप लिखें डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज और बोथ। तो अगर आप गुड्स में सिर्फ डील कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, दोनों में डील कर रहे हैं तो ये वाला आप लिख सकते हो, सिर्फ सर्विसेज में डील कर रहे हैं तो सर्विसेज। फिर जो भी गुड्स में अगर आप डील कर रहे हैं तो उसका एचएसएन कोड, और सर्विसेज में डील कर रहे हैं तो एसएससी कोड, और फिर क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। मैं पहले एचएसएन कोड बता देता हूँ। एचएसएन कोड आपको जानना जरूरी नहीं है, किसको बहुत जरूरी है ये पहले ये देखते हैं। टर्नओवर अगर बिलो 1.5 करोड़ है तो एचएसएन कोड नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन टर्नओवर 1.5 करोड़ से बिलो 5 करोड़, याद रखना बिलो 5 करोड़ है, तो 2 डिजिट का एचएसएन कोड आपको डालना होगा, और 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो 4 डिजिट, और जो मैन्युफैक्चरर है उनको एचएसएन कोड ढूंढना होगा, डिपार्टमेंट ने वो लिस्ट जारी कर दी है वहीं से आपको ढूंढना होगा। और ट्रेडर को जो मैन्युफैक्चरर जो एचएसएन कोड लिखेगा वही आप लिख सकते हैं, तो ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं। मान लीजिए लाइमस्टोन, कोटा स्टोन इसको पॉपुलरली बोलते हैं, 100 केजी का आप बेच रहे हैं, और ये क्वांटिटी केजी, क्वांटिटी हो सकता है केजी, हो सकता है नंबर्स, हो सकता है पीसेस, हो सकता है जैसे आप गुड्स में डील कर रहे हैं, रेट टोटल अमाउंट आ गया, ठीक है। इसके बाद मैंने एक एग्जम्पशन लिया, लेबर टैक्स लगा 22,000 रुपया, तो टोटल, और टोटल कितना आ गया, 2,22,000, आप डिस्काउंट दे रहे हैं 12,000, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आ गया 2,10,000। याद रखिएगा कि जो टैक्स लगाना है उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी को छोड़ के, लेबर टैक्स यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी को छोड़ के अगर कोई और टैक्स लग रहा है तो वो टैक्स को जोड़ने के बाद ये सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। जैसे तमिलनाडु में क्या हो गया,
एंटरटेनमेंट टैक्स भी लग गया, जीएसटी भी लग गया, तो एंटरटेनमेंट टैक्स को जोड़ने के बाद वो जीएसटी लगेगा, ठीक है। ये सेक्शन वो जीएसटी के एक्ट में भी लिखा हुआ, मैं अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा आपको। डिस्काउंट ऑब्वियसली ये एक्सक्लूड करना है, पैकिंग चार्जेस ये सब दे रहे तो इंक्लूड करके आपको वैल्यू निकालना है। तो लेस डिस्काउंट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 210,000, सीजीएसटी 5%, एसजीएसटी 5%, ये आ गया, तो टोटल आ गया 231,000। अब जो दूसरी पार्टी है ये 10,500 का, अगर आपको वो जीएसटी नंबर दिया है तो उसका वो क्रेडिट क्लेम कर लेगा। अमाउंट इन वर्ड्स फॉर टैक्स बाय के साइन, नाम लिख दीजिए, ई एंड ओ, भूल चुक लेने देने। तो ये इनवॉइस है, तो मैंने आपको एक एक चीज बता दी है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और मैंने हैंड रिटन इसलिए लिखा है ताकि, और हाँ, हैंड रिटन भी आप इनवॉइस बना सकते हैं, अगर आपका इनवॉइस नहीं छपा तो आप हैंड रिटन भी कर सकते हैं। कंप्राइज अगर है तो अच्छी बात है, एक्सेल में है तो टैली के थ्रू निकाल रहे हैं, बिजी सॉफ्टवेयर के थ्रू निकाल रहे हैं, किसी भी तरह के थ्रू निकाल रहे हैं। तो दिस इज द फॉर्मेट, और ये सारे टर्म्स इसमें होने चाहिए याद रखना, आपका आपका नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, जिसको आप बेच रहे हो उसका जीएसटी नंबर हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एचएसएन कोड कंपलसरी है, कब कंपलसरी है वो भी लिख दिया, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स लिख दिया, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही, चलिए।